दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मगर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर सरकार गठन के बाद आज हरियाणा विधानसभा का जो पहला सत्र हुआ, वो सत्र के अंदर विधायकों की शपथ भी हो गई, यानी कि अब जो चुने हुए नुमाइंदे थे वो प्रॉपर अब पूरी तरह से विधायक हो गए, क्योंकि जब तक शपथ नहीं होती तब तक उनके पास वो दायित्व तो पदभार नहीं होता। तो आज हरियाणा को हरियाणा के 90 विधायक मिल गए, इसके साथ साथ हरियाणा को मिल गए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हो गई, चयन हो गया हरविंदर कल्याण का, और अब हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे यानी कि उपसभापति डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमने लगभग एक सप्ताह पहले ही बता दिया था जब हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण होना था। मैंने आपको अगले दिन ही बताया था, देश रोजाना ने बताया था कि ये हरियाणा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, यानी कि हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और डॉक्टर कृष्ण मिड्डा उपाध्यक्ष होंगे। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चयन के लिए कौन सी भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति अपनाई, किस रणनीति के तहत इन नेताओं का चयन हुआ, और ये दोनों नेता जो दोनों विधायक अब हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, इनके पीछे अगली रणनीति और राजनीति क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, हरविंदर कल्याण जो आज हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए, हरविंदर कल्याण की अगर पृष्ठभूमि की बात करें, राजनीतिक पार्श्व की बात करें, तो हरविंदर कल्याण की राजनीति कांग्रेस से शुरू हुई। कांग्रेस से चल करके और बहुजन समाज पार्टी से होते हुए हरविंदर कल्याण आए भारतीय जनता पार्टी में। और अगर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा की बात करें तो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा की राजनीति शुरू हुई इंडियन नेशनल लोकदल से। इंडियन नेशनल लोकदल में उनके पिता डॉक्टर हरिचंद मिड्डा 2009 में और 2014 में विधायक बने थे। उनका देहावसान हो गया और उनके स्थान पर 2017-18 के अंदर दोबारा उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में चुनाव जीते थे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। अगर आपसे बात करें हरविंदर कल्याण की, तो हरविंदर कल्याण घरौंडा के विधायक हैं, तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। मैं आपको बता रहा था उनका पार्श्व कांग्रेस से है, तो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के प्रदेश के यूथ के जनरल सेक्रेटरी रहे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अंदर कई पदों पर रहे, LSUI के अंदर यानी कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जो कांग्रेस की स्टूडेंट्स विंग है उसके अंदर भी कई पदों पर रहे, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी दावेदारी की। हरविंदर कल्याण के पिताजी भी चुनाव कई बार लड़े, विधानसभा का भी लड़े, लोकसभा का भी लड़े, लेकिन विधायक नहीं बन पाए थे। चेयरमैन तो रहे सरकार के, सरकार का पार्ट बने, लेकिन कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद जो वजूद होता है, जो वजन होता है, वो बिना चुनाव जीते नहीं हुआ करता। तो हरविंदर कल्याण साहब के पिताजी, जो मैं आपको बता रहा था कि वो विधायक और सांसद नहीं बन पाए, और उनकी इच्छा थी कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करे, यानी कि उनका पुत्र विधायक बने। 2004 के विधानसभा चुनाव में अरविंद कल्याण ने टिकट मांगा था कांग्रेस पार्टी से, उस चुनाव के अंदर कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, तो अरविंद कल्याण बाद में चले गए बहुजन समाज पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी में जाकर के उन्होंने 2009 का चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी से, चुनाव नहीं जीत पाए, तीसरे स्थान पर रहे और वोट मिले उनको 30,000 से ज्यादा। अगर हरविंदर कल्याण के बारे में एक बात आपसे मैं और जोड़ दूं कि उनका भारतीय जनता पार्टी में कैसे जाना हुआ, तो इसके अंदर एक सबसे बड़ी भूमिका आ जाती है मनोहर लाल जी की, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आजकल केंद्र सरकार के वजीर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हीरे की परख जौहरी को होती है, तो अगर हरविंदर कल्याण और मनोहर लाल के बारे में आप मान लें कि हरविंदर कल्याण हीरा और मनोहर लाल जौहरी, मनोहर लाल ने पहचान लिया कि हरविंदर कल्याण के अंदर वो हुनर, वो फन, वो सब कुछ है, नेतृत्व क्षमता भी है, इनके अंदर संगठन क्षमता भी है, और हरविंदर कुछ कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया। 2014 के चुनाव में हरविंदर कल्याण को टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीते, 2014 के अंदर ही बीजेपी की सरकार भी बन गई। हरविंदर कल्याण की जो मनोहर लाल से नजदीकियां थी उनको देखते हुए कहा जाता था कि संभवतः वो मंत्री बनेंगे, मंत्री नहीं बने, हैफेड के चेयरमैन हुए। मनोहर पार्ट टू की सरकार बनी, 2019 के अंदर चुनाव हुआ, अरविंद कल्याण फिर चुनाव जीते दूसरी बार,
मंत्री फिर भी नहीं बने। और इस जो मनोहर पार्ट टू की सरकार थी, जिसके अंदर बाद में नायब पार्ट वन जुड़ गया, 4.25 और 4.5 साल के बीच का अरसा था मनोहर लाल पार्ट टू का, और उसके बाद में लगभग 8-9 महीने मुख्यमंत्री रहे नायब सिंह सैनी। मार्च से चले थे और अक्टूबर में चुनाव हुआ, तो उस दौरान में भी, यानी कि मनोहर पार्ट टू और नायब पार्ट वन, इन सरकारों के अंदर भी हरविंदर कल्याण को ना कोई मंत्रालय मिला ना कोई बड़ा औहदा मिला। संगठन के प्रति पूरी निष्ठा से लगे रहे। 2024 का चुनाव आया, हरविंदर कल्याण को फिर टिकट मिला और हरविंदर कल्याण की हैट्रिक बन गई। घरौंडा से बीजेपी कैंडिडेट जीतने की हैट्रिक बनी, हरविंदर कल्याण की हैट्रिक बनी, और हैट्रिक बनी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनने की। तीसरी पार्ट में जब हरविंदर कल्याण विधायक चुन करके आए, तो फिर लोगों ने कहा था कि हरविंदर कल्याण को मंत्री बनाया जाएगा शायद, और हुआ ये कि हरविंदर कल्याण पार्ट थ्री के अंदर भी हैट्रिक सरकार में भी हैट्रिक विधायक मंत्री नहीं बने। उसी दिन लोगों ने सोच लिया था कि जब वजारत नहीं मिल रही, मंत्रालय नहीं मिल रहा, तो कुछ बड़ा मिलेगा। और मैंने तभी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं, जो मैं आपको राजनीति रणनीति बता रहा था। नंबर एक करनाल, नंबर दो जीटी बेल्ट, नंबर तीन एक सुशिक्षित और संगठन क्षमता रखने वाला राजनीतिज्ञ, और सबसे प्रमुख रोड समाज का एक नेता, जिनकी हरियाणा के अंदर लगभग वोट तो 2.5-3 लाख के आसपास होंगी, लेकिन कई विधानसभाओं को प्रभावित कर जाते हैं, 4-5 विधानसभाओं को प्रभावित करते हैं। रोड समाज के 2 नेता अब की बार विधायक बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से ही। तो इस लिहाज से उस रोड समाज को साधने के लिए, जीटी बेल्ट को साधने के लिए, और एक अच्छा संगठन क्षमता रखने वाले व्यक्तित्व को हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सर हो गए, अब सभापति महोदय। दूसरे हुए डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा और मनोहर लाल के बारे में भी अगर एक बात कह दूं, जो मैंने आपसे कहा हरविंदर कल्याण और मनोहर लाल के बारे में, कि हीरे को परख जौहरी को होती है, डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जींद का बड़ा नाम रहे। अगर आप जींद में जाएं तो आप कहीं से पूछ सकते हैं, बाबूजी के नाम से मशहूर थे। डॉक्टर हरिचंद मिड्डा 2009 में पहली बार विधायक बने इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर। 2014 में जब देश के अंदर मोदी लहर थी, हरियाणा के अंदर मोदी लहर थी, उस समय भी हरिचंद मिड्डा विधायक बने इंडियन नेशनल लोकदल के सिंबल पर, और प्रकृति और जो कुदरत ने उनको छीन लिया पूरा टर्म पूरा करने से पहले, यानी कि 2014 से 19 के लिए जो विधायक बने थे डॉक्टर हरिचंद मिड्डा, वो टर्म पूरी नहीं हुई, उनका बीच में देहावसान हो गया, निधन हो गया। उनके निधन के बाद में उपचुनाव हुआ जींद के अंदर, उस उपचुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल इधर दो फाड़ हो चुकी थी, इनेलो और जसपा अलग अलग बन गए, और दूसरी तरफ डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को परख लिया मनोहर लाल खट्टर ने। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के दिवंगत होने के बाद उनके स्थान पर खाली हुई विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाने के लिए डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी में ले गए। डॉक्टर मिड्डा कृष्ण मिड्डा को बीजेपी ने उपचुनाव में टिकट दिया, और कृष्ण मिड्डा ने उस उपचुनाव के अंदर, सामने दो बड़े महारथी थे, ताऊ देवीलाल परिवार से दिग्विजय चौटाला और इधर सामने रणदीप सिंह सुरजेवाला, दोनों को चुनाव मैदान में पटखनी दी, और कृष्ण मिड्डा बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। उपचुनाव पहली बार विधायक बने, दूसरी बार विधायक बने डॉक्टर कृष्ण मिड्डा 2019 में, और 2019 में विधायक बनने के बाद में 2024 का जब चुनाव आया, तो कृष्ण मिड्डा तीसरी बार बीजेपी के कैंडिडेट थे। और सबसे प्रमुख बात यह है दोस्तों कि कृष्ण मिड्डा का जो चुनाव में जीतने का जो मार्जिन था वो हर बार बढ़ता चला गया। तीसरी बार कृष्ण मिड्डा विधायक बन गए। बड़ी चर्चाएं थी कि कृष्ण मिड्डा को मंत्रालय मिलेगा, मंत्रालय नहीं मिला। मेरी भी उनसे टेलीफोनिक बात हुई थी, तो कह रहे थे माता वैष्णो देवी के भक्त हैं, कह रहे थे कि माता रानी भला करेंगी सब, और माता रानी ने कृपा की कि वो आज हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष हो गए। जो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के बारे में बता रहा था, उनकी केमिस्ट्री जो भारतीय जनता पार्टी से मैच करती है, उसे आप कैसे देखेंगे? बांगर की जमीन, जींद जिला, जींद को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, पॉलिटिकल कैपिटल। उस क्षेत्र के अंदर पहली बार भगवा लहराने वाले या पहली बार कमल खिलाने वाले कृष्ण मिड्डा, मनोहर लाल के काफी नजदीक रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मनोहर लाल खट्टर इनको भारतीय जनता पार्टी में ले गए थे परख करके कि जींद में कमल यही खिलाएंगे, और उसके बाद से मनोहर लाल के नजदीकियों में रहे। और इस समय, यानी कि उनको अगर मैं ये कहूं कि लगभग 9-8 साल की तपस्या का जो फल मिला, उसके बाद वो हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष बने।
जहां रोड समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे हरविंदर कल्याण, तो फिर विधानसभा के अंदर पंजाबी समाज के बड़े नुमाइंदे के रूप में, विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में होंगे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। इन दोनों चयन से, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर जो बीजेपी ने रणनीति के तहत नेता दिए हैं, आप इनसे कितना सहमत हैं? हरविंदर कल्याण क्या विधानसभा को किस तरीके से सुचारू रूप से चला पाएंगे? और सबसे प्रमुख सवाल कि जिस प्रकार से जो कास्ट केमिस्ट्री बिठाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके अंदर लगता था कि कहीं कमी रह गई पंजाबी समाज और रोड समाज की, क्या उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर लिया है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।